हेलो दोस्तों, तो आज हमारे टूर का दूसरा दिन है जहां हम विजिट करेंगे आउटसाइड टूर ऑफ ऊटी, जिसमें हम लोग जो मेन मेन पॉइंट घूमने जाएंगे वो है पाइन फॉरेस्ट, कामराज सागर डैम, नाइन्थ माइल शूटिंग पॉइंट, पाइकरा बोट हाउस लेक, पाइकरा वाटरफॉल्स एंड स्कूलमन। तो इनके लिए हम सुबह 9:30 में अपने रेजिडेंस से निकले हैं घूमने के लिए। तो ये हमारे साथ में है गौतम, जिनका टैक्सी है, इन्होंने हमने हायर किया था ये टैक्सी 2000 में। तो इनका कॉन्टैक्ट लिस्ट भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जिनको इनको हायर करना है कॉन्टैक्ट कर लेंगे। तो अभी हम चलते हैं पाइन फॉरेस्ट के लिए ऊटी। पहले हम ऊटी जाएंगे, ऊटी से होते हुए ये है हमारा गौतम जी, जो भी इनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। ये हमारा जो रास्ते में पड़ रहा है सुंदर सा जगह जगह, बहुत सारे सीनरीज है, बहुत अच्छा है। फिर हम लोग चल रहे हैं पाइन फॉरेस्ट के लिए। हम लोग ऊटी पहुंचने वाले हैं और उसके बाद पाइन फॉरेस्ट, लगभग पाइन फॉरेस्ट यहाँ से पाइन फॉरेस्ट ऊटी शहर से लगभग 9 किलोमीटर दूर पर। यहाँ आप टैक्सी या बस के माध्यम से पहुँच सकते हो। तो हम लोग अभी पहुँच चुके हैं पाइन फॉरेस्ट में। अभी आप देख रहे हैं पाइन फॉरेस्ट में बहुत भीड़ है। इसका जो टाइमिंग है और का रेट कैसे है चाहिए वहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग कुछ फोटोशूट भी किए हैं, एक लैग भी, जहाँ पर बहुत लोग पिकनिक मनाने आते हैं। एक चीज़ का ख्याल रखेंगे, यहाँ पे आप लोग आते हैं तो प्लास्टिक यहाँ पे अलाउ नहीं है, प्लास्टिक फ्री जोन है। तो कृपया साफ सुथरा रखेंगे, कोई कचरा नहीं फैलाएंगे। ये यहाँ का जो पाइन ट्रीज है सबसे बड़ा का 81.79 मीटर ऊंचा है, और जो नॉर्मल लगभग जो पेड़ है 15 मीटर से 45 मीटर तक।
अभी हम लोग पाइन फॉरेस्ट देखने के बाद अब हम लोग निकल रहे हैं कामराज डैम की तरफ। तो कामराज डैम जो है तो हम यहाँ के लोग सैंडी नाला डैम के रूप में भी जानते, लेकिन हम अभी जो पहुंच रहे हैं अभी जस्ट पाइन फॉरेस्ट के सामने ही है। वहां पर जाने के बाद इनका जो कामराज डैम है इसका काम चल रहा है, जिसका वर्क चल रहा है, जिसके कारण ये पूरा बंद है। यहाँ पे किसी भी टूरिस्ट को अंदर जाने नहीं दे रहे, तो हमने बाहर से कुछ इसका सीन वगैरह कुछ वीडियो किया है, तो वीडियो आपको दिखा रहे हैं। तो अभी देख रहे हैं ये सीन बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे बहुत सारे वर्ड पाए जाते हैं, लेकिन हम लोगों ने तो किसी वर्ड्स को यहाँ पे नहीं देख पाया, क्योंकि अंदर हम लोग नहीं जा। अगर एक काम पूरा हो जाए फिर नेक्स्ट टाइम में कभी आते हैं तो हम अंदर जा सकते हैं और देख सकते हैं। हम लोग ऊटी का सबसे खूबसूरत जगह 9 माइल शूटिंग पॉइंट पे, जो एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, जहाँ पर बहुत सारे फिल्मकारों ने यहाँ पर फिल्म का शूटिंग किया है, जैसे दीवाना, आशिकी, इस तरह का बहुत सारे फिल्मों का नाम है जो इस लोकेशन पे शूट हुआ है। और ये यहाँ पर जो जगह है से लगभग 9 माइल की दूरी पे है, और इस जगह का नाम भी है 9 माइल शूटिंग पॉइंट। बहुत ही खूबसूरत जगह है, यहाँ पर आप हरे भरे घास है, यहाँ बैठ कर आप फोटो खींच सकते हैं। बारिश के सीजन में तो ये जगह और ही खूबसूरत हो जाता है, क्योंकि पूरे जो घास है अभी आप लोग देख पा रहे हैं कि घास थोड़ा सा सूखे हुए हैं, गर्मी का दिन है, अप्रैल का मंथ है, तो घास थोड़ा सूखा हुआ है। लेकिन जब ये थोड़ा सा बारिश हो रहा है, दिल के पास में बारिश होती है, क्या करते हैं बहुत हरा भरा हो जाता है। तो अभी हम चलते हैं, फोटो खींचते हैं और वीडियो देखते हैं। Thank you.
ऊटी में घूमने का एक और खूबसूरत जगह है जिसका नाम है पायकारा झील और यह जो झील है ये सुंदर रोलिंग पहाड़ियों से घिरा हुआ है और तमिलनाडु पर्यटन विकास के द्वारा संचालित नाव से आप झील का भ्रमण कर यहाँ पर स्पीड बोट और 8 सीटर और 12 सीटर मिल जाते हैं जिसकी रेट अलग अलग है आप इनका रेट लिस्ट स्क्रीन में देख पाएंगे और बस मैं इस प्रश्न में और मैं इस प्रश्न में भी डालूंगा। बोट का मजा लेने के लिए हमने 8 सीटर बुक किया क्योंकि हम लोग 4 आदमी थे तो 4 आदमी और शहर में कर लिए हमने तो हम 4 आदमी का टोटल 500 करा 1000 का है 8 सीटर। तो अभी चलते हैं देखते हैं मजा लेते हैं झील का चले देखते हैं। हम लोग बैठ गए निकल पड़े इस झील का दर्शन करने के लिए भाई मजा तो आ रहा है भाई। वो देखो देखो सामने से स्पीड बोट आ रहा है भाई बहुत स्पीड बोट बहुत फास्ट चलता है बहुत मजा आ जाता है। हमारे साथ में पूरा ग्रुप है 4+4 पूरा झील का ये बोट थोड़ा स्लो चलता है लेकिन फिर भी ठीक है घूमने के लिए तो बहुत अच्छा है बच्चे के साथ में बहुत ही मजा है। Thank you.
तो भैया अभी हम लोग आ गए हैं पाइकारा वाटरफॉल। ये भी जगह बहुत खूबसूरत है, हरा भरा है, पूरा ग्रीनीज है, मतलब पूरा पेड़ वगैरह है। अभी हम लोग जा रहे हैं तो देखते हैं अभी अंदर क्या है और कैसा वाटरफॉल। जिन दोस्तों ने ऊटी टूर का फर्स्ट ब्लॉग इनसाइड टूर ऑफ ऊटी अगर नहीं देखा है तो आई बटन में उनका लिंक है, जाकर अवश्य देख लें, क्योंकि वहां पे ऊटी के अंदर का हमने कवर किया है और आउटसाइड टूर ऑफ ऊटी के मैंने ऊटी से बाहर का जो इलाका है वो हमने कवर किया है। तो जिस दोस्तों को देखना है इनसाइड टूर का आई बटन में लिंक है, जरूर उसको देखिए। ये जो हमारा पॉइंट है स्कूल में, ये हमारा लास्ट पॉइंट है, इसके बाद हम सीधे अपने रूम में चले जाएंगे। स्कूल मंड में कुछ खास देखने लायक तो है नहीं, लेकिन फिर भी हमने विजिट किया, बहुत अच्छा जगह है, बहुत सारे सीन है। एंड जो स्कूल मंड के पीछे का इलाका है वो पूरा शूटिंग पॉइंट है, जैसा आप ये देख पा रहे हैं, बहुत अच्छा है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड कमेंट और शेयर ज़रूर करना।